नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम यहां बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4500 और 4 वर्षों में 6750 हो जाती है तो वह धनराशि क्या है, यानी हमें बताना है कि वह राशि क्या है। ठीक है, तो हम उस राशि को मान लेते हैं कि जो राशि है वह हमारी पी है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि जो मूलधन है वह पी है। अब अमाउंट का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन वन प्लस दर भागे 100 की पावर टाइम। ए वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लगेगा। पहली कंडीशन है कि 2 वर्षों में 4500, तो अमाउंट कितना हो जाता है 4500। मूलधन तो मूलधन ही रहेगा, वन प्लस रेट की कोई चर्चा नहीं हुई है तो हम इसको टच नहीं करेंगे। टाइम है 2 वर्ष, इसको हम दे देंगे इक्वेशन एक। ठीक है, दूसरी कंडीशन उसने की है कि 4 वर्षों में 6750, तो 6750 यहां रखेंगे इक्वल पी, वन प्लस आर बटे 100 की पावर 4, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो एक समीकरण ए हमारा बन गया और दूसरा समीकरण ए हमारा बन गया। ठीक है, दोनों समीकरण बन गए। अब हम दूसरे वाले समीकरण में पहले वाले समीकरण से भाग दे देते हैं, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 भागे समीकरण 1। यहां पर क्या है, 6750 भागे 4500 बराबर पी, वन प्लस आर भागे 100 की पावर 4, और नीचे करेंगे तो पी वन प्लस आर भागे 100 की पावर 2। ठीक है, यहां पर 0 से 0 कट जाएगा। अब हम काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बचा 1, 5 3 15 2 बचे और 5 25। यहाँ 5 से काटेंगे, 5 9 45 90 आ गया। ठीक है, अब हम इसको 15 से काटेंगे, 15 6 90 और 15 9 135। 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 2 6, यहाँ पर बचा 3/2। पी से पी कट जाएगा, यहाँ 1 प्लस r की पावर 4 है, यहाँ 1 प्लस r की पावर 2 है। भाग की क्रिया है, आधार समान है तो घातें घट जाएंगे। क्या बचेगा, 1 प्लस r भागे 100 का स्क्वायर बचेगा। अब हम इसकी वैल्यू समीकरण एक में यहां रख देंगे। देखिए 1 प्लस r भागे 100 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, 3/2। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब वैल्यू रखेंगे तो 4500 बराबर पी गुणा 3/2 हो जाएगा। अब 3 आ जाएगा नीचे, 2 हो जाएगा गुणा में, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 4500 × 2/3। 3 से काटेंगे, 15 3 45 और 15 2 30, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 3000। ठीक है, तो मूलधन क्या निकल के आ गया, मूलधन हमारा निकल के आ गया 3000 रुपये, और यही हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना था। ठीक है, तो आपने देखा हमने कैसे लगाया, अमाउंट के फॉर्मूले से पहले पहली कंडीशन के लिए लगा दिया था 2 वर्षों में 4500 और फिर 4 वर्षों में 6750। समीकरण 2 को 1 से भाग कर दिया था तो 3/2 बराबर 1 प्लस r/100 का स्क्वायर आ गया था, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी और हमारा यहाँ से पी निकल के आ गया। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।